शायद कुछ मिला है इनको, सिर्फ तो पहले गया था, शायद कुछ खतरे का घंटी भी हो सकता है इधर, मैंने इसे बोला था अभी। तो आनीपुर जाने से पहले हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे और एक शानदार लोकेशन पे हम लोग आए। इधर एक शुगर मिल के साइड में एक जंगल है, ये आनीपुर के साइड में जंगल के अंदर हम लोग अभी आए हुए हैं। ये लोकेशन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी एक जंगल मिल सकता है। सामने कुछ मिल या कुछ है, नॉट श्योर अबाउट दैट। बहुत पुराना टाइप का किला टाइप लग रहा है, ये रिजर्व फॉरेस्ट टाइप कुछ लग रहा है, नॉट श्योर। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, वो कोई पुराना किला टाइप जैसा लग रहा है। एंड हम लोग अभी ये जंगल के अंदर है। ये आपको पीछे नजर दिख रहा होगा, ये इस साइड में एक बिल्डिंग है जो पूरा फोर्ट टाइप लग रहा है, बहुत पुराना किला है, दूसरा बंगला हो सकता है हमें लग रहा है, बाकी हमें पता नहीं एग्जैक्टली। थोड़ा आपको क्लोज व्यू दिखाते हैं हम लोग इसका, बहुत बड़ा मतलब इसका जो बिल्डअप है बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना बिल्डअप है। हम लोग इधर पूरा जंगल से होते हुए जा रहे हैं, मकड़ी के जाले से प्रॉब्लम हो रही है बहुत। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत पुराना किला है, इसके ऊपर फोर्ट लग रहा है किले का, और इसमें पेड़ पौधे हो गए। देखिए बहुत ही खूबसूरत सिनेरियो है। ये किला है और इसी के साइड में होते हुए एक पेड़ उगा हुआ है, बहुत पेड़ भी ये बहुत पुराना ही लग रहा है हमें। पूरा एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस हो गया हमारे लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे एक किला है, ये एक्चुअली किला नहीं है, किले का दीवार जैसा लग रहा है किला हमारे पीछे। तकरीबन एक रूट है, आप रूट्स देख सकते हो, एक वॉल बन गया। हाँ काइंड ऑफ फोर्ट जैसा कुछ है, इसका दीवार सालों पुराने हैं और इसके दीवार के साइड में ही आपको जैसे कि दिख रहा है पूरा पेड़ उग गया, ये सारे जो है रूट्स है, पेड़ का रूट्स है, मतलब बहुत पुराना है पेड़ भी, कम से कम 200-250 साल पुराना होगा। बिल्डिंग का तो हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये भी 250 साल के आसपास पुराना होगा। ब्रिटिश एज का, इसने पूरा दबोच लिया है मतलब। ये पूरा का पूरा रूट्स है, पूरा का पूरा रूट्स है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ये हमें अभी पता चला है ये शुगर मिल है, ये शायद पहले जला था कभी यहाँ पे, आपको कुछ यहाँ पे जल के कुछ लोग मरे थे बोल रहे, तो ये भूतिया होने का संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये घर कहाँ गया, ये घर मेरे सामने ही है, बहुत पुराना लग रहा है, जला हुआ लग रहा है, और ये लोकेशन कुछ ज़्यादा ही शांत है, हमें थोड़ा ऑड फील हो रहा है यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट। सही है, कैसे बोलूँ मतलब, एक महीने आपको तन्मयदा कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर्स बन रहा है, तन्मयदा कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर्स बनते हैं, पता नहीं कहाँ घूम गया। ये घर बहुत पुराना है, दरवाज़ा जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये सीढ़ी का हालत देखिए आप, ये दरवाज़ा देखिए, यहाँ पे सबका चला था टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड चला हुआ है, यहाँ पे अंदर पे पहले कुछ था, पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ रीम टाइप लग रहा है, इवन कास्ट देखिए आप टूटा हुआ है, हर जगह पे नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे खिड़की भी टूटा हुआ है, ये दोनों डर के मारे अंदर ही नहीं आ रहे ऐसे। ये देखिए ऊपर कुछ था, मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे बोला जाता है, चलो कौन
बोला जाता है यहाँ पे कुछ ये बिल्डिंग जला था और यहाँ पे कुछ 26 जन मारे गए थे, इसलिए हमें थोड़ा ओए सत्या बाहर निकल डोंट बी ओए को कुछ भी से अभी वो अंदर रह गया, रुक जाओ वो अभी तक अंदर ही है, पता नहीं गांड मरा रहा है भाई, बाहर आ जा मजाक नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो चिल्ला क्यों रहा है भूसरी वाले, वेरी गुड। मैं बोल रहा था ना ये जगह सही नहीं आ जाने की, जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन ये जगह बहुत शांत है, बहुत ही शांत है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पूरा घना जंगल है। ये वही फैक्ट्री है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, इस साइड जाएंगे तो आपको पूरा जंगल मिलेगा जैसे कि आप देख सकते। और इस जंगल के बारे में लोकल्स का ये मानना है कि यहाँ पर पहले बहुत कातिल हो रहा था, मतलब चोर डकैती वगैरह वो कोई यहाँ पे उठा के ला के फिर यहाँ पे ही मर्डर करके छोड़ देते थे। यहाँ पे पता नहीं, हम लोग बहुत सालों के बाद इधर आए हैं, यहाँ पे कोई लोग आता भी नहीं है। बड़ा सा यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इन पेड़ों का, या फिर यहाँ पे कोई मतलब काटने का या फिर किसी का निशान नहीं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, बहुत इससे कोई नहीं आ रहा है। हम लोग को एक से पता है, हम लोग को अच्छा लगता है ये सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी यहाँ पर अकेले ना आए, क्योंकि लोकल्स हमें मना कर रहे थे इधर आने के लिए, लेकिन एज वेल एज हम लोग जिद्दी है तो आगे देखते क्या होता है आगे। इतना सन्नाटा है, हमको भी अभी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। यहाँ पर पहले जो एक घर दिखाया था, यहाँ पे जल के बहुत सारे लोग मरे थे पहले, और ब्रिटिश के टाइम से ही यहाँ पर कत्लेआम हो रहा था। इधर सुनसान जगह है, हम ट्राई करेंगे यहाँ का जितना भी अनसीन प्लेसेस है उसको दिखाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ अभी के लिए। कैसा लग रहा है बॉयज़? सच बोलो तो जगह बहुत डरावनी है, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था वो बिल्डिंग के बारे में, और इसी के साथ में ये जंगल है। जंगल के बारे में भी बहुत सारे अफवाहें कि सच है हमें पता नहीं है। तो हमें आने से पहले इधर के गांव वाले बोले थे कि इधर मत जाओ, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि मत जाओ तब हमें लगा इधर ही जाना चाहिए, क्योंकि तो नॉर्मली हर जगह पर हम लोग नॉर्मल लोकेशन में जाते हैं, ये थोड़ा पॉकट एंड रीड लोकेशन है। यहाँ पे आके अभी हम जाते हैं, क्या चीज निकल दिया है इसके अंदर पानी होता है, जब पानी का कमी होता है रेगिस्तान में तो इसके अंदर से पानी पी के लोग सर्वाइव कर सकता है। हाँ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है पता नहीं, पर हम जरूर निकालेंगे। हाँ हाँ ठीक है, इसको फोटो लेके फिर गूगल में सर्च कर में निकल जाएगा। तो आप हमें ये बताएंगे आपका ये यहाँ पर आके कैसे फील हो रहा है आपको? ये कहाँ से गिरा? थोड़ा बहुत डरा भी नहीं लग रहा है, पर हम ये डर को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ वही, हम लोग का बाकी कुछ ये सब जगह का तलाश था जगह पर। चलिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा है अभी, कुछ कुछ हमें फील होने लगा है, तो जितना जल्दी हो सके आपसे निकलने से बेहतर है, तभी अगर बचे रहेंगे तभी आपको वीडियोस मिलेंगे, और बचे रहने के लिए हमको प्रिकॉशन मानना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके अंदर होने से पहले हमको निकलना पड़ेगा, बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। और ऐसे भी ये हम लोग का असम और त्रिपुरा का बॉर्डर पड़ता है, ये अभी उसी फैक्ट्री के अंदर हम लोग आए हुए, जैसे कि मैंने बोला था ये पहले जला था। देखिए इसका हालत बहुत ख़राब हो रखा है, मतलब इधर अभी तो दिन का टाइम है इसलिए ज़्यादा आपको लग नहीं रहा, या फिर हमें भी उतना डर लग नहीं रहा, लेकिन अगर रात को आते तो पता नहीं इधर कैसा रहता। ये बहुत ही देखिए खंडर, ये खंडर से कम नहीं है, बट और रैनोसन ट्रेड ग्रुप इज है खंडर के अंदर हम लोग अभी चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीनरी है, ये रात को इसमें कभी नहीं आऊँगा, बाईगढ़ में इस जगह पे रात को डेफिनेटली नहीं आऊँगा, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है मुझे। हर जगह पे बस सामने ये जो काला काला आपको दिख रहा है नीचे, कुछ केमिकल बंट हुआ था उसी चीज़ का है। मेरे पीछे देख सकते हो पूरा का पूरा खंडर है। ये देखिए यहाँ पे रस्सी जला हुआ था, सब जला हुआ है इधर। ये
मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली केमिकल बन हुआ था, यहाँ पे कुछ जलाया गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसके अंदर, ये बहुत पुराना लोकेशन है, बहुत पुराना लोकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ बस खंडर ही खंडर है। ये अनिपुर में सिचुएटेड है, इसमें आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी रात में इस एक लोकेशन से आए थे, जाते वक्त ये दूसरे साइड से जा रहे हैं। यहाँ पे एक, ये देखिए, ये जंगली जानवरों से बचाने के लिए ऐसे बनाया गया है। पहले जब ये ऑपरेशनल था, इसे पानी डाला जाता था सो देट कोई भी जंगली जानवर इधर से क्रॉस ना कर पाए, वो भी एक नहीं दो दो साइड में बैरियर से। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री, और ये जो सामने वाला बिल्डिंग आपको दिख रहा है खंडर जैसा, वो मोस्ट वाली बहुत पुराना वाला बिल्डिंग है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे सामने। ये मेरे पार्टी लोग आ रहे हैं इधर से एंड सामने भी जा रहे हैं। बहुत ही वसम लोकेशन है, यहाँ पे बस दिन में आइएगा, रात को कभी नहीं मत आना। ये अंदर जो खंडर है वो सच में बहुत डरावना है, और उसको लेके बहुत सारे अफवाहें फैले हुए हैं। देखिए इधर से एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखता हुआ, इन शॉर्ट कहानी ये है, ये लोकेशन पे आपको आना चाहिए लेकिन नहीं पाओगे ना। हाँ वो भी बात सही है, नहीं बताऊंगा। अनिपुर से मैं जाने से पहले ये लोकेशन है, हमको दिखा भाई। और बस एक ही सजेशन है हमारा कि ये लोकेशन पे रात को कभी बताइएगा, ये पूरा खंडर है, आप लोग ये पूरा का पूरा खंडर है, और इट्स नॉट सेफ एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पे लेके अफवाह है कि 26 जन सिपाही लगा था उसे मारे गए थे, तो उनका आत्माएं अभी तक इधर भटकती रहती है। एंड जो जंगल है, जो जंगल है उसको लेके भी अफवाह है कि इधर चोरी डकैती पहले बहुत सारा होता था, अभी वगैरह बहुत कुछ है, तो अभी तो बहुत साल हो गए वो सब कहानी के, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टिल कुछ सजेस्ट, अगर इधर आते हो फुल प्रिकॉशन के साथ आइए।